Class 12th, Chapter Number 12, Youth and the Tasks Ahead, written by Dr. Karan Singh. Dr. Karan Singh is the son of Maharaja Hari Singh and Maharani Tara Devi. Dr. Karan Singh जो हैं वो महाराजा हरि सिंह के सुपुत्र हैं और Dr. Karan Singh 1931 is an Indian politician, acclaimed author and diplomat. Dr. Karan Singh इनका जन्म 1931 में हुआ है और ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है, भारतीय पॉलिटिशियन है, अक्लेम्ड ऑथर यानी जाने माने ऑथर हैं और एक डिप्लोमेट हैं यानी राजनयिक हैं. ही इज़ नोन फॉर हिज बुक्स ऑन फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस. ये जाने जाते हैं डॉक्टर करण सिंह जाने जाते हैं किसके लिए, फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस में इनके योगदान यानी इनकी बुक्स के लिए जाने जाते हैं. हिज मेजर वर्क्स आर टूवर्ड्स अ न्यू इंडिया 1974, वन मैंस वर्ल्ड 1986, एसे ऑन हिंदुइज्म 1987, ऑटोबायोग्राफी 1989, ब्रीफ सोजर्न 1991. इनका जो मेजर काम है बुक्स के फील्ड में वो है टूवर्ड्स अ न्यू इंडिया, वन मैंस वर्ल्ड, एसे ऑन हिंदुइज्म, ऑटोबायोग्राफी और ब्रीफ सोजर्न. ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2005. इनको 2005 में पद्म विभूषण से अवॉर्ड किया गया था. In his exhortation to the youth, the author urges the youth of India to develop physical, intellectual, patriotic and spiritual qualities to fulfill their responsibilities towards the nation. अपने एक उद्बोधन में, एक उपदेश में कहते हुए करण सिंह कहते हैं युवाओं से कि अगर वो देश को डेवलप करना चाहते हैं युवा, तो सबसे पहले उनको अपने अंदर क्या डेवलप करना पड़ेगा, फिजिकल यानी शारीरिक तौर पे वो डेवलप हों, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक तौर पे डेवलप हों, पैट्रियोटिक यानी देशभक्त के तौर पे डेवलप हों और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करें, जिससे वो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उत्तरदायित्व को फुलफिल करने में सक्षम हो पाएंगे. करण सिंह आगे कहते हैं, Our freedom was won with great struggle and sacrifice. After centuries of servitude to foreign rule, and it is important that those of us who belong to the post-independence generation should not fall into the error of taking our freedom for granted. वो कहते हैं कि हमें जो आज़ादी मिली है अंग्रेज़ों के खिलाफ या और भी जो दूसरे शासक थे, काफ़ी 100 वर्षों तक हम गुलाम रहे और उसके बाद काफ़ी त्याग और स्ट्रगल, काफ़ी बलिदान और संघर्ष के बाद हमें वो आज़ादी मिली है. और एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दोज ऑफ अस, जो भी हम में जो भी है, जो लोग भी हैं हु बिलोंग टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन, जो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, उनको ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, शुड नॉट फॉल इन टू द एरर ऑफ टेकिंग आर फ्रीडम फॉर ग्रांटेड, कि हमें आज़ादी यूं ही मिल गई, ऐसा बिल्कुल नहीं. इस गलती में, इस सोच में वो ना रहें, ऐसा वो कह रहे हैं अपने लोगों से जो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं. वो कहते हैं कि द मेंटेनेंस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्रीडम इज़ अ टास्क इवन मोर ओनरस दैन इट्स अटेनमेंट. उनका कहना है कि जो मेंटेन करना, हमें अपनी आज़ादी जो हमें मिली है उसको मेंटेन करना और उसको और मजबूत करना, ये जो है और भी कष्टदायक काम है. इसको अटेन करना बहुत ही कष्टकारक है, इसलिए आप इसको ऐसे ही हल्के में ना लें. इन एनी नेशन द यूथ नेसेसरली फॉर्म्स द वैंगार्ड इन मोस्ट स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी. वैंगार्ड कहते हैं लीडर को, जो आगे बढ़कर काम करे. कहते हैं कि किसी भी देश के लिए जो युवा होते हैं, द यूथ, उनको निश्चित तौर पे क्या करना चाहिए, आगे बढ़कर हर एक एक्टिविटी में, इन मोस्ट स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए. एंड इट इज़ एसेंशियल दैट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर इट्स पावर मस्ट बी मोबिलाइज्ड फर्दर टू स्ट्रेंथन आर इंटीग्रिटी एंड आर कैपेसिटी टू रेसिस्ट एग्रेशन. कहते हैं एंड इट इज़ एसेंशियल, यह जरूरी है दैट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, इस नाजुक मोड़ पर
जो हम अपने पावर को क्या करें, मोबिलाइज करें, जुटाएं, इकट्ठा करें, और फर्दर टू स्ट्रेंथन, किस काम के लिए, अपने देश की एकता इंटीग्रिटी को मजबूत करने के लिए, एंड आर कैपेसिटी टू रेसिस्ट एग्रेशन, जो भी एग्रेशन होता है, आक्रामकता हमारे ऊपर दिखाई देती है, तो उसको रोकने के लिए हमें अपने क्या करना चाहिए, हमें उस मोबिलाइज करना चाहिए, पावर को इकट्ठा करना चाहिए। वॉट इज रिक्वायर्ड इज एन इमेंस बर्स्ट ऑफ आइडियलिज्म एंड एनर्जी अमंग आर यूथ हु मस्ट बी डीपली कमिटेड टू द टास्क ऑफ सेफ गार्डिंग दिस ग्रेट नेशन ऑफ आर्स फाउंडेड ऑन द ट्विन आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। वॉट इज रिक्वायर्ड इज एन इमेंस बर्स्ट ऑफ आइडियलिज्म, जो ज़रूरत है वो क्या है, इमेंस बर्स्ट ऑफ आइडियलिज्म, यानी आदर्शवाद की पराकाष्ठा होनी चाहिए, एंड एनर्जी, और क्या होना चाहिए, ऊर्जा, लोग युवा के अंदर क्या होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। हु मस्ट बी डीपली कमिटेड टू टास्क ऑफ सेफ गार्डिंग दिस ग्रेट नेशन ऑफ आर्स, जिनको अपने इस देश को सेफ गार्ड करने के लिए उनको डीपली कमिटेड भी होना चाहिए। फाउंडेड ऑन द ट्विन आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो हमारा देश दो आइडियल, दो आदर्शों पर टिका हुआ है, उस पर, तो वो दो आदर्श कौन कौन है, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी। सेक्युलरिज्म मीन्स जो हमारा धर्म निरपेक्षता है, और डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, इन दो आइडियल्स, आदर्श पे टिका हुआ हमारा देश है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमारे देश के युवा को क्या करनी चाहिए, सेफ गार्ड करने के लिए कमिटेड भी होना चाहिए। इन पर्टिकुलर आर यंग मैन एंड वुमेन स्टडिंग इन स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं कि विशेष तौर पर जो युवा कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनकी कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी दायित्व हैं। फॉर वाइल दे आर नो लॉन्गर चिल्ड्रन, क्योंकि ना तो अब वे बच्चे रहे, दे हैव येट नॉट गॉट फुल्ली इन्वॉल्व इन द रूटीन ऑफ एडल्ट लाइफ, और ना ही ये पूरी तरह से अपने एडल्ट लाइफ को ही जी रहे हैं, तो इनके पास समय बहुत है, तो ये जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ स्पेशल हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट एन इमेंस रिजर्वॉयर ऑफ स्ट्रेंथ विच इफ प्रॉपरली कैनालाइज्ड कैन प्रूव टू बी अ सोर्स ऑफ ग्रेट पावर टू द नेशन। वो कहते हैं कि जो युवा हैं, जो कॉलेजेस, स्कूल में पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर इमेंस रिजर्वॉयर ऑफ स्ट्रेंथ है, यानी शक्ति का बहुत सारा भंडार है। इफ प्रॉपरली कैनालाइज्ड, अगर इसको सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो कैन प्रूव टू बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ ग्रेट पावर टू द नेशन, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मतलब शक्ति का स्रोत बन सकता है। इंडीड इट इज़ दीज यंग इंडियंस हु विल सून बी कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ नेशनल लाइफ। वास्तव में इट इज़ दीज यंग इंडियंस, यही वो यंग युवा भारतीय हैं, हु विल सून बी कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ नेशनल लाइफ, जिनको कि राष्ट्रीय जीवन में हर ओर पे कभी भी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया जा सकता है। एंड दे मस्ट ट्रेन themselves टू फुलफिल द फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विथ डिस्टिंक्शन। तो क्या करना चाहिए इन युवाओं को, अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि फ्यूचर में विशिष्ट तौर पे, जब वो अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि फ्यूचर की सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो आसानी से उठा पाएँ। आई वुड लाइक टू एड्रेस अ फ्यू वर्ड्स इन पर्टिकुलर टू आर यंग मैन एंड वुमेन। फिर वो कहते हैं करण सिंह कि मैं जो युवा हैं उनसे विशिष्ट तौर पे फिर से कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। इफ़ दे आर टू बी इफेक्टिव इन द सर्विस ऑफ द नेशन, अगर उनको अपने देश की सेवा में प्रभावी तौर पे काम करना है, तो इट इज़ एसेंशियल दैट दे मस्ट फिट themselves इन एवरी वे फॉर दिस टास्क। तो अपने आप को उनको क्या करना पड़ेगा, हर तरीके से इस टास्क के लिए तैयार करना पड़ेगा। द बिल्डिंग अप ऑफ अ वास्ट एंड पल्सेटिंग डेमोक्रेटिक नेशन इज़ नो मीन अंडरटेकिंग एंड अ मेयर डिज़ायर टू बी सर्विस इज़ नॉट एनफ। आपके अंदर सिर्फ इच्छा शक्ति हो कि आपको देश की सेवा करनी है, ये, और आप इससे क्या कर लोगे, देश की सेवा कर पाओगे, यही काफ़ी नहीं होता है। तो हमारा देश कैसा, एक वास्ट, विशाल और पल्सेटिंग मतलब स्पंदित है, देश है, जिसको सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति से ही नहीं, बल्कि आपको आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। इट मस्ट बी अकॉम्पेंड बाय द एबिलिटी टू डू सो इफेक्टिविटी, आपके अंदर वो एबिलिटी, क्षमता भी होनी चाहिए, जिससे आप इसको प्रभावी तौर पे काम, इसके लिए सेवा कर सको।